Hi guys and welcome back to my channel. So guys, अभी यहाँ पे सुबह सुबह बहुत ही जबरदस्त ज़्यादा भयंकर वाली बारिश हुई और मौसम इतना मस्त हो गया और हम लोग अभी जा रहे हैं बीच पे. So guys, let me show you my fashion today. सो गाइज, लास्ट व्लॉग में जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है उसमें मैंने बताया था कि मैं आपको बीच पे सुबह लेके जाऊंगी और सुबह यहाँ का व्यू बताऊंगी. तो आप देख सकते हो यहाँ का व्यू कितना मस्त है. गाइज, नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. और गाइस, ये पॉट में आपको जाम मिल जाएगा वेफल पे डालने के लिए, चॉकलेट सिरप मिल जाएगा, जैसे आप देख ही सकते हो एक आंटी डाल रहे हैं. गाइस, ये है इनका ब्रेकफास्ट एरिया. सो गाइस, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम उदय समुद्र को मॉर्निंग में और एक्सप्लोर करेंगे, सो लेट्स गो विथ मी. सो गाइस, पहले हम चलते हैं ब्यूटी पार्लर में. यहाँ पे ब्लीचिंग, आई केयर, फेशियल, पेडीक्योर, हेयर कलर, हेयर कट, हेयर स्पा, हेयर स्टाइलिंग, हेयर ट्रीटमेंट और हेड मसाज सब कुछ होता है. यहाँ पे कुछ एंशियंट आयुर्वेदा के फोटोज़ हैं, क्योंकि अभी मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो यहाँ का स्पा है. गाइज, अगर आपने केरला में कहीं बाहर स्पा नहीं करवाया है तो आप यहाँ पे आके भी स्पा करवा सकते हो. और गाइज, आप देख सकते हो छोटा बच्चा पूल में कितनी मस्ती कर रहा है. सो गाइज, अभी हम लोग कोवलम में हैं. हम लोग कोवलम से निकल रहे हैं. अभी हम लोग एलेपी जा रहे हैं. एलेपी में हम लोगों ने हाउस बोट रेंट की है. यहाँ से एलेपी का रास्ता 180 किलोमीटर्स है और 4 से 5 घंटे लगेंगे हैं अगर आप नॉन स्टॉप जाते हैं तो. सो गाइज, नाउ इट्स टाइम कि हम लोग ये ब्यूटीफुल सी होटल को बाय कहते हैं और हमारी नई होटल में जाते हैं. सो गाइज, आज हमारा केरला में लास्ट डे है. कल हमारी कोची से फ्लाइट है. हम लोग फिर से हमारे डेस्टिनेशन यानी घर पे पहुंच जाएंगे कल. गाइज, ये होटल का आउटर एरिया है और गाइज आप देख सकते हो आज का मौसम कितना मस्त वाला हो रहा है. गाइज, लुक व्हाट वी फाउंड, पोर्स GTS. सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं एलेपी, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन हाउस बोट. सो गाइज, हम लोग अभी एलेपी पहुंच चुके हैं. सो गाइज, ये रही हमारी बोट जिसमें बैठ के हम लोग एलेपी का बैक वाटर्स घूमने वाले, सो लेट्स गो विथ मी. सो गाइज, अब आने वाला है हमारे बोट के कप्तान का बैठने का स्टैंड. यहीं बैठ के वो बोट को चलाने वाले हैं. सो गाइज, नाउ लेट्स एक्सप्लोर द बोट. सबसे पहले यहाँ पे आपको हॉल मिल जाएगा. ये एक्चुअली बोट हमारे घर जैसी है. हॉल, किचन, बेडरूम, बाथरूम, एवरीथिंग. सबसे पहले हम चप्पल उतार देते हैं ताकि बोट गंदी ना हो. और यहाँ पे ऊपर रहेंगे 2 रूम और यहाँ पे नीचे है 3 रूम और ये रहा बेसिन. और गाइज, यहाँ पे सबसे एंड का जो दरवाज़ा है जो आप देख रहे हो वो है किचन.
सो गाइज़ अब हम लोग चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर क्या क्या है। गाइज़ यहाँ पे ऊपर आते ही आपको दिखेगा एक बड़ा सा खाली एरिया और बालकनी। यहाँ पे इनका बड़ा डाइनिंग टेबल है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द रूम। गाइज़ ये बोट हमें सबसे अच्छे इसलिए लगी थी क्योंकि ये बोट में सिर्फ 5 रूम थे और हमको 5 रूम चाहिए थे, मतलब ये पूरी बोट हमारी पर्सनल बोट थी। एंड सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पे इन लोगों ने हमको किचन में भी एंट्री दे दी थी ताकि आपको जो बना के खाना हो आप खा सकते हो अपनी मर्ज़ी से। गाइज़ यहाँ पे आपको जितने बेडरूम की बोट चाहिए, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम एंड मेनी मोर, जितने भी बेडरूम की बोट चाहिए आपको हर एक बेडरूम की बोट मिल जाएगी ताकि आप आपकी फैमिली के साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर सको अच्छे से। सो गाइज़ हम लोगों ने जो यहाँ पे बोट ली है वो प्रीमियम बोट है और हम लोगों को यहाँ पे वेलकम ड्रिंक में ये नारियल पानी दिया गया है। मैंने जो अभी आपको जगह बताई थी वो इतनी बड़ी जगह है कि आप यहाँ पे गरबे भी कर सकते हो और इसके पीछे जो बालकनी है वो इतनी बड़ी है कि आप वहाँ पे बैठ के आराम से इसके नज़ारे एंजॉय कर सकते हो। एंड नाउ इट्स टाइम जहाँ पे हमारी बोट चालू हो गई है और हम लोग अभी जा रहे हैं LAP के बैक वाटर्स घूमने। गाइज आप देख सकते हो यहाँ के नज़ारे कितने मस्त हैं, मतलब गाइज हमको ये देखने के बाद ऐसा यकीन हो गया कि हाँ हम केरला ही घूम रहे हैं। सो गाइज हम लोगों ने आफ्टरनून में ये स्पीड बोट करी थी। बाय बाय ऑल। गाइज ये स्पीड बोट वाला आपको पूरे बैक वाटर्स में घुमाएगा। ये स्पीड बोट जो है वो आपकी बोट के आसपास ही चलती रहेगी ताकि आपके बोट में जो मेंबर्स है वो ये स्पीड बोट को देख सके। गाइज़ ये वाली राइड केरला की सबसे बेस्ट राइड लगी मुझे क्योंकि हमें इसमें इतना मज़ा आया ना। आप देख सकते हो कैसे वो टर्न ले रहा था, हम लोग इसमें पूरे बुरी तरीके से गीले हो गए थे। गाइज हमें राइड में इतना मज़ा आ रहा था कि हमने वो भैया को बुला था, भैया प्लीज़ एक और राउंड करवा दो, हमारा एक और सर्कल मरवा दो। तो भैया इतने अच्छे थे कि उन्होंने एक्चुअली में वो सर्कल हमको करवा दिया था और अब हम लोग रिटर्न आ रहे हैं वापस। आप देख सकते हो हमारी हालत, हम लोग कितने गीले हो चुके हैं। गाइज अगर आप नेचर लवर हो, आपको नेचर फोटोग्राफी बहुत अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप एक बार यहाँ पे विजिट करना, बहुत मस्त जगह है। और गाइज ये रहे हमारे बोट के कैप्टन। गाइज ये वाले भैया बहुत अच्छे थे, बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में हर चीज़ का आंसर दे रहे थे, बहुत ही अच्छे से हमारे साथ इन्होंने बिहेव किया पूरी जर्नी में और सच में हमको बहुत मज़ा आया इनके साथ। यहाँ पे आपको कई सारे टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे रास्ते में। और गाइज ये जो छोटी गली है वो गांव की तरफ जाती है और वो जो आप बोट देख रहे हो साइड में पड़ी है वो गांव वाले यूज़ करते हैं गांव से अंदर और बाहर आने के लिए क्योंकि यहाँ पे सब जगह सिर्फ पानी ही पानी है। गाइज ये यहाँ का फेमस टेम्पल है, यहाँ पे गांव वाले इस टेम्पल को बहुत मानते हैं। ये टेम्पल का नाम देवी टेम्पल है और आप बीच में ये स्टैंड जैसा देख रहे हो ये पूरा गोल्ड का बना है। आगे से केरला में आई क्या हाँ? बहुत सारे धावन उसे केरला की आई वाली। और गाइज जब खाली रास्ता आता है और बहुत चौड़ा रास्ता आता है ना, तब हमें दिया जाता है कि आप थोड़ी देर इसको चला सकते हो और अपना वीडियो बना सकते हो।
बट डोंट वरी, आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, हमारे कैप्टन हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा, ताकि कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो वहाँ पे रहे हमेशा संभालने के लिए। कलियों का मौसम आंखों में जादू होठों पे प्यार बंदा ये खूबसूरत काम करेगा। तो गाइस, जैसे ही अंधेरा होने वाला होता है बोट एक जगह लाके खड़ी कर दी जाती है और आपको एक बोट से दूसरी बोट में शिफ्ट होके अगर आपको गांव देखने जाना है तो आप जा सकते हो। आप देख सकते हो कैसे मेरा भाई जो है वो एक बोट से दूसरी बोट में आ रहा है। और गाइस, अपना फ़ोन संभाल के रखना क्योंकि बीच में पानी है, अगर फ़ोन गया तो नहीं मिलेगा। और गाइस, हम लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा डॉग मिला था, आप देख सकते हो कितना क्यूट है ये डॉग। और हमारे साथ ये डॉग काफ़ी देर तक खेला था। गाइज, ऐसे कठिनाई वाले रास्तों से आपको पार करके गांव जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी, ये गांव ही है। और आप जो बीच में ये ग्रीन देख रहे हो ना, ये एक्चुअली पौधे हैं जो पानी पे ग्रो हो गए हैं। सो गाइज, अभी हम लोग आए हैं ये विलेज घूमने। हमको 5:30 बजे ये एक जगह खड़ी कर देता है बोट, और फिर हम लोग ये विलेज घूमते हैं। फिर 5:30 बजे से रात तक ये बोट इसी जगह पे ये विलेज के पास खड़ी रहती है, और हम लोग ये विलेज घूमते हैं, बोट में सोने जाते हैं, और जो हमको करना होता है वो करते हैं। है निकला ओ गड्डी लेके और रास्ते पर सड़क में एक मोड़ आया। सो गाइज, मॉर्निंग हो गई है एंड नाउ इट्स टाइम जहाँ पे हम LAP को और हमारी हाउस बोट को बाय बाय बोलते हैं। सो गाइज, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा अजीबोगरीब सा व्लॉग पसंद आया हो। प्लीज़ कमेंट्स में बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।